नमस्कार, रेडियो द्वारका में आपका स्वागत है। रेडियो द्वारका आज सीसीआरटी द्वारका में पहुंची है, जहां सीसीआरटी में पहली बार आर्ट गैलरी, पेंटिंग एग्जीबिशन और सीसीआरटी कला उत्सव का इनॉग्रेशन श्री अरुण गोयल के द्वारा किया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सेक्रेटरी है, जो की इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट है। इन्होंने इस मौके पर सीसीआरटी से जुड़े हुए देश के अलग अलग जगहों के स्कूल के छात्रों से लाइव बात किया और उनको अपने कला और संस्कृति के प्रति जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित किया और एग्जीबिशन में लगाए गए पेंटिंग को देखा और उनकी प्रशंसा की। अब आपको अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों के द्वारा बनाए गए पेंटिंग दिखाते हैं और उनसे बात करते हैं कि इनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग का थीम क्या है। आई एम करुणा जैन फ्रॉम दिल्ली। मैंने जो पेंटिंग्स मैं करती हूँ, मोस्टली मैं विमेन थीम पर करती हूँ और उसमें इसमें मैंने गर्ल चाइल्ड के बर्थ के बारे में बताया है। नीचे वाली पेंटिंग में एक लड़की जब बॉर्न होती है तो इट्स लाइक अ फ्लावर, जिसको मालूम नहीं है कि वो कौन सी दुनिया में जा रही है, और उस टाइम पे जो कुछ लोग उसको अलग अलग नजरों से देख रहे हैं, कुछ गुस्से की नजर है, किसी को खुशी भी है लेकिन किसी को डाउट्स भी है कि एक बेटी हो गई तो क्या होगा आगे। जब वो बड़ी होती है, उसको अगर पूरा वो कहना चाहती है कि मुझे पूरे से लालन पालन अच्छे से मिले ताकि पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ के जब वो एक कॉन्फिडेंट लड़की के रूप में, एक नारी के रूप में आगे देश के लिए काम करने के लिए तैयार होती है, तो कहती है आप बचपन से अगर मुझे डाउट करोगे तो मैं कैसे प्रूव करूंगी, मुझे उतना पालन पोषण उतना सब मिले ताकि मैं बड़े होके और अपने देश का सबका नाम ऊंचा कर पाऊं। तो यहाँ वो एक कॉन्फिडेंस की नजर से उस दुनिया को देख रही है जो उसको बचपन पैदाइश पे डाउट कर रहे थे। एक लड़की के लाइफ को आपने अपने आर्ट में दो पेंटिंग्स मैंने फूलों के जरिए बताने की कोशिश की, क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के फूल हैं और छोटी सी कली को ही तोड़ देंगे तो पता कैसे चलेगा वो किस तरह का फूल निकलने वाला है। तो उसको एक आशा मिले, उसको एक उम्मीद मिले और बस यही चाहती हूँ कि दुनिया में लड़कियों को एक प्रोत्साहन मिले, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि एक लड़की आगे जाके सिर्फ अकेले अपने लिए नहीं करती, पूरे परिवार पूरे समाज की नींव रखती है, उसको आगे बच्चों को भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो अगर वो ही बचपन से बिना कॉन्फिडेंस के जाएगी तो वो आगे परिवार को कैसे संभालेगी, देश को आगे कहाँ से बढ़ाएगी। तो बच्चों के जन्म पे उनको खुशी होनी चाहिए बिना ये सोचे कि लड़का हो है कि लड़की है, उनको अच्छा पालन पोषण दे तो हमारा एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज बन पाएगा। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। मेरा नाम श्यामश्री शर्मा है। सो मेरा मेन पेंटिंग्स का थीम है थ्रेड्स। सो मेन थ्रेड मतलब धागा, हर एक बंधन को हर एक चीज को बांधने वाला धागा ही होता है। तो एक है ये कारपेट वर्क है, कारपेट जो हमें हर तरीके का मीन सॉफ्टनेस खुशी या मतलब एक एक क्या बोलते हैं नरम दिल का ये सब का दिखाने के लिए उस हिसाब से मैंने कारपेट टाइप का वो बनाया है। यहाँ पे हमने थ्रेड को हरे अलग अलग स्टिचेस के द्वारा हमारा मीन शांति के लिए और प्यार का सबको बढ़ाने का और नेचर को प्यार के मीन दिखाने का उस हिसाब से मैंने फिर ये वाला मीन डिफरेंस स्टिचेस में थ्रेड्स को दिखाया है। ये मेरा मेन थीम है। मेरा नाम अनीता मलिक है और मैं आर्टिस्ट हूँ। तो इस पेंटिंग में मैं सिटी लाइफ बनाई है और सिटी लाइफ में दिखाना चाहा है कि सिटी की जो लाइफ है उसमें ब्लू कलर बहुत दिखाया है कि वो बहुत डिप्रेस है। वो भले कितनी भी चकाचौंध है और कितनी भी ज्यादा सोसा उसमें है पर वो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत दुखी है। तो इसलिए उसमें सारे जो बैकग्राउंड दिखाई है एंड ऑल वो काफी डाउन कलर उसमें लिए है। इससे रिलेटेड एक और मेरी दूसरी पेंटिंग है उस साइड है।
इसमें विलेज लाइफ है, विलेज में बहुत ज्यादा सुविधाएं सब नहीं है, पर वो फिर भी बहुत अच्छा है वहाँ पे, वहाँ लोग खुश है, जैसी भी उनके पास जो भी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो खुश है, और इसलिए उसकी बैकग्राउंड पूरी रेड और मतलब काफी ब्राइट कलर में ली है, और वहाँ के लोग भी काफी खुश है। ये मैं अलग अलग सिर्फ कंपेयर किया है दो पेंटिंग में, हाउस चीज और सिटी लाइफ और विलेज लाइफ को कंपेयर किया है। यस, हमारे साथ सीसीआरटी के डायरेक्टर श्री ऋषि वशिष्ठ है, आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, ये द्वारका में ही नहीं पूरे वेस्ट दिल्ली में पहली गैलरी है जो भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के अधीन सीसीआरटी द्वारा आरंभ की गई है। हमारा ये मानना है कि जो भी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको अपनी प्रतिभा, अपनी कला के प्रदर्शन के लिए सस्ती से सस्ती दरों पर, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस का खर्चा तो हमें निकालना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि आर्टिस्ट यहाँ केवल अपनी पेंटिंग्स का डिस्प्ले ना करें बल्कि सेल भी करें। सो वो लोग भी फ्री होंगे, अपनी पेंटिंग्स से कुछ भी अगर वो अर्थोपार्जन कर सकते हैं तो बहुत ही नॉमिनल और रीजनेबल कॉस्ट पर हम उनको ये फैसिलिटी मुहैया कराएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। हम लोग एक कमेटी बनाएंगे जिसमें आर्टिस्ट लोग आए और उनको उनकी वरीयता, उनके आने के क्रम में ये हफ्ते से 10 दिन तक का उनको ये गैलरी उपलब्ध कराई जाएगी। 31 दिसंबर तक जो ये आज प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ जारी रहेगी, उसके बाद से हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इस गैलरी को हायरिंग के लिए भी देंगे। जी, ये 31 दिसंबर तक, आज जो ये पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये हमारे भारतवर्ष के जो आईएएस सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके और उनके साथी, जीवन साथी जो उनके स्पाउसेस हैं, उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। तो इसका डिस्प्ले हम 31 तक इसलिए रखेंगे क्योंकि उनमें से कुछ दिल्ली के बाहर पोस्टेड हैं, तो वो अपनी सुविधा अनुसार वीकेंड पर भी आएंगे, और हम चाहेंगे कि जिन 20 आर्टिस्ट की पेंटिंग यहाँ लगी है वो भी एक बार सीसीआरटी में आकर अपनी इस एग्जीबिशन को देखें। सूरज की नारंगी किरणें जैसे ही द्वारका में पड़ती हैं, परमार्थी की टीम उसको सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निकल पड़ती है। आइए इस प्रयत्न में कुछ कदम आप भी साथ चलें, परमार्थी प्रहरी बने। आज हमने 3 नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। एक तो ये सीसीआरटी आर्ट गैलरी है, दूसरा है सीसीआरटी कला उत्सव। सीसीआरटी कला उत्सव एक सीरीज ऑफ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस हमने आरंभ की है, जिसका उद्देश्य है भारत संस्कृति के बारे में जो रसिक जन हैं, ऑडियंस हैं, उनको जागरूक करना, पर्टिकुलरली यंगर जनरेशन, कॉलेज के यूथ। क्या हम उसमें करने जा रहे हैं, एक एमिनेंट आर्टिस्ट को बुलाया जाएगा, एक हमारे स्कॉलरशिप के जो एल्यूमिनाई, क्योंकि हम लोग स्कॉलरशिप की फेलोशिप की इम्प्लीमेंट करते हैं स्कीम्स, तो उनमें जो पास कर चुके हैं और स्टिल अभी वो उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और एक हमारे करंट स्कॉलरशिप होल्डर, मतलब 3 जनरेशन को हम परफॉर्मिंग विजुअल लिटरेरी, आपको यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, म्यूजिक भी देखने को, थिएटर भी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर विजुअल आर्ट एग्जीबिशन, पेंटिंग की एग्जीबिशन भी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ मुशायरे, कवि सम्मेलन भी देखने को मिलेंगे, और उसमें इसी तरह से हम 3 जनरेशन को लेकर आएंगे, क्योंकि सीसीआरटी 650 स्कॉलरशिप देता है परफॉर्मिंग विजुअल और लिटरेरी आर्ट्स में। सो हमारे जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो हमारे छात्रवृत्ति धारक या हमारे फेलोशिप होल्डर, उनको एक मंच प्रदान किया जाएगा, उनको एक अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ द्वारका के लोगों को इन सभी आर्ट फॉर्म्स के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा। हमें दूर भी ना जाना पड़े, लेकिन हम बहुत दूर तक जा रहे हैं। सीसीआरटी ने 21 अक्टूबर को माननीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के कर कमलों से एक ई पोर्टल लॉन्च किया था, जिससे हम, हमारा जो मुख्यालय दिल्ली में है और हमारे क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर, गुवाहाटी और हैदराबाद में है, उनसे तो जुड़ते ही हैं, साथ ही साथ हमारे 10 इंटरप्रिटेशन सेंटर बनारस में है, व्याख्या केंद्र जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सीसीआरटी ने आरंभ किए थे, वहां से भी जुड़ते हैं, और जो हमारे पार्टनर है रूट्स टू रूट्स, वो 20,000 स्कूलों में जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इस कार्यक्रम को वो सभी स्कूल जो रूट्स टू रूट्स के माध्यम से सीसीआरटी ई पोर्टल के माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी देख पाएंगे। ये हमारे फेसबुक, हमारा जो
ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसको अब हम और एक्सपेंड करके वेबकास्ट भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा संस्कृति मंत्रालय का संस्कृति ऐप है और जो कल परसों ही माननीय मंत्री महोदय ने एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया इंडियन कल्चर का, सभी से इसका जुड़ाव हो जाए, सभी से इसका लिंक हो जाए, ताकि हम जो संस्कृति है उसको, मैं एक टैगलाइन दे रहा हूँ, क्लासेस टू मासेस। अभी आप देखते हैं कि ज्यादातर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक एलीट क्लास है, वही लोग जाते हैं। हम इस संस्कृति को हर देश के गली नुक्कड़ कॉर्नर तक पहुंचाना चाहते हैं, जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। सो ये जो, और इसके साथ एक तीसरा कार्यक्रम हुआ गणराज्य निर्माण, संवैधानिक भारत। आप जानते ही हैं पूरा देश हमारा संविधान दिवस 26 नवंबर को 70वां संविधान दिवस मनाया। तो एक साल में हमारे बच्चे, पर्टिकुलरली स्कूल और कॉलेज के, न केवल अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको जाने, बट अपने कर्तव्यों को भी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको भी जाने। इससे संबंधित स्लोगन पेंटिंग, डिबेट्स, इस तरह के कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया कराए जाएंगे। सो वो भी पहल हमने आज की है। तो इन तीन नए नवाचारों के साथ हम देश के कोने कोने में, देश के हर बच्चे, स्कूल और कॉलेज के युवाओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आपने श्री ऋषि वशिष्ठ को सुना, जिन्होंने सीसीआरटी में होने वाले भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बताया। इसी तरह देखते रहिए रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।